हेलो गाइस एंड नमस्ते आप सभी को। आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, वो पेरेंट्स के लिए भी, यानी कि माता पिता के लिए। तो आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि लॉकडाउन के समय बच्चों को पढ़ाई से कैसे जोड़े रखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। क्योंकि अभी तो वैसे बच्चों की छुट्टियाँ पड़ रही है, मगर लॉकडाउन रहता है, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते, उनको लगता है कि ठीक है हो रही है जैसे भी है। तो आज हम जानेंगे कि पेरेंट्स कौन से स्टेप्स फॉलो करें और बच्चे क्या क्या चीज़ें करें उस टाइम में, सब क्या रहे, बच्चे पढ़ाई से जुड़े रहें, थोड़ा वो रिलैक्स फील करें, एक्टिव भी लगे, क्योंकि लॉकडाउन रहता है तो बच्चे क्या है इस टाइम में पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती है, क्लासेस ली, उसके बाद कुछ भी नहीं, किताबें भी खोल के नहीं देते, उनका मन ही नहीं लग रहा है जैसे वो बच्चे पहले पढ़ा करते थे। और कुछ बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस लेते हैं, टाइम पे अपना वर्क करते हैं, सब चीज़ें अच्छे से चल रही है, मगर इस बीच में एक चीज़ हम जो भूल जाते हैं बच्चों के लिए, हम पूरा दिन उनको बोलते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, क्या हम कभी ये सोचते हैं कि पढ़ने के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को करनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ हम और किन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं जानते हैं, जैसे कि सबसे पहले सुबह बच्चों को हो सके मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को क्या कराएं, योगा मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज, ये चीज़ें ज़रूर करें। उससे क्या रहता है, बच्चे पूरा दिन रिलैक्स फील करता है। अगर बच्चे जैसे कि सुबह मॉर्निंग में या पढ़ाई के टाइम थोड़ा सा गैप लेके भी इन एक्सरसाइज को कर सकता है, ये सारी ही एक्सरसाइज बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, जैसे कि आपको वॉक करना है या टर्न अराउंड करना है, टोज को स्ट्रेचिंग, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आप बिना किसी की हेल्प के कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने और भी एक्सरसाइज आपको दिखाई, ये बच्चों वाली ही एक्सरसाइज हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में ये ध्यान रखें आप वही एक्सरसाइज करें पहले जो बहुत आपको ईजी लगती है, जिन एक्सरसाइज को करने में आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे कि आपको वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, आपके पुशअप्स हो गए, या आपको टोस टच करने हैं, या फिर आप रनिंग करना चाहते हैं, या फिर बहन या भाई के साथ आप कुछ छोटी मोटी गेम्स भी खेल सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी जो पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ भी होती रहेगी, साथ में आपका पढ़ाई में भी मन लगा रहेगा। आप बच्चों ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी नींद ज़रूर पूरी करें। क्या नींद, यानी कि आप टाइम पे सोएं, आपको दिन में भी कम से कम 2 से 3 घंटे सोना चाहिए और रात में भी आपको 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। आपको टाइम पे अपना खाना खा के सो जाना चाहिए। अब हम जैसे कि कुछ और पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं, हेल्थी फूड, आप सभी बच्चों को ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, लंच हो, बंच हो, ये सब बहुत ध्यान से करना चाहिए। आपका ब्रेकफास्ट जो है इतना हेल्थी होना चाहिए कि आप पूरा दिन उसमें एनर्जेटिक फील करो। लंच आपका, पूरी डाइट आपकी कैसी होनी चाहिए, लंच की बैलेंस डाइट होनी चाहिए, और आप मॉर्निंग में और नाइट में मिल्क ज़रूर पिए। तो पेरेंट्स इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चों की डाइट में आपकी सभी चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए, उनका मिल्क होना चाहिए, मिल्क से बने प्रोडक्ट्स होने चाहिए, और साथ में मिल्क के साथ अगर आप अदर प्रोटीन्स वगैरह देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ मिल्क बेस्ट है। पनीर दें उनको, चीज़ दें, बटर दें, साथ में वेजिटेबल और फ्रूट्स ध्यान से रखें। अगर आप वेजिटेबल फ्रूट्स फॉलो नहीं कर पाते तो बच्चों को प्रोटीन में आप दालें ज़रूर खिलाएं, और हो सके जंक फूड से बच्चों को दूर रखें। और कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही ज़िद करते हैं जंक फूड, तो जंक फूड में आप उसी टाइप का हेल्दी फूड घर पे बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, उन हेल्दी फूड को फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ आप बच्चों को वीकली, हफ्ते में एक बार पेपर क्राफ्ट या अदर एक्टिविटीज़ ज़रूर कराएं। पेपर क्राफ्ट एक्टिविटीज़ में आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हो, आप बेसिक जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पे देखिए एक ऑक्टोपस बनाई हुई है जो बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो कर सकते हैं, ये है लाइन एक्टिविटी। ये लाइन जो होती है क्या कहते हैं, आप घर में खुद बना सकते हो और उस लाइन पे आपको चलना होता है, और वो कैसी भी लाइन हो सकती है, ट्राइंगल बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, और वो जॉइंट होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, उन पर वॉक करना होता है। तो पेरेंट्स इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करेंगे और उनका मन पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगा रहेगा।
तो पेरेंट्स क्या करें, इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखें, और बच्चे भी क्या रहेंगे, आपके साथ पढ़ाई में लगे रहेंगे, आप भी ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को स्टडी के साथ साथ। तो मैं आप सबको विदा लेती हूँ, धन्यवाद, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।